हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आज का इंग्लिश का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एस द फोर स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एक क्लास नंबर सेवन है बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस एसिंग फॉर स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग और वीडियो का लास्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिस्कस करेंगे एस लिसनिंग स्किल लिसनिंग स्किल कैन बी एवेलेट विद द हेल्प ऑफ डिक्टेशन और राइटिंग है द टीचर में डिक्टेड स्पेसिफिक पैसेज और टेक्स यहाँ पे टीचर जो है कोई स्पेसिफिक पैसेज या टेक्स को डिक्टेट करेंगे एंड द स्टूडेंट माइट हैव टू रिपीट और स्टूडेंट को क्या करना होगा रिपीट करना होगा और मे हैव टू राइट फॉर द टीचर डिक्टेटेड या फिर स्टूडेंट को लिखना होगा जो टीचर डिक्टेट करके गए हैं दिस विल हेल्प इन एसेसिंग लिसनिंग स्किल इससे लिसनिंग स्किल को एसेस किया जा सकता है एस टू हाउ क्लियरली द स्टेंट लिसन टू द वर्ड यहाँ पे ये यह पता चलेगा कि स्टूडेंट कितना अच्छा से जो टीचर डिक्टेट किए उसको सुने हैं वेदर दे hear the द वर्ड्स करेक्टली और नॉट क्या स्टूडेंट सुन पाए हैं नहीं पाए हैं ये भी यहाँ पे टेस्ट किया जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट मेथड है जिसके माध्यम से लिसनिंग स्किल को एसेस किया जा सकता है वो है ऑडियो टेक्स हेयर द स्टूडेंट माइट हैव टू इंडोड्यूस टू सर्टेन ऑडियो क्लिप्स यहाँ पे स्टूडेंट के सामने ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा एंड मे हैव टू राइट ए सामरी ऑफ इट उसके बाद स्टूडेंट लोग को बोला जाएगा कि उससे सामरी लिखा जाए जो ऑडियो क्लिप सुने हैं और टू एक्सप्लेन इट लेटर इन देयर ऑन वर्ड्स या फिर स्टूडेंट को अपना भाषा में उसको रिपीट करने के लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा इसके माध्यम से लिसनिंग स्किल को एसेस किया जा सकता है इवोलेशन ऑफ लिसनिंग स्किल प्रोफेशंसी कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कम्पोनेंट ऑफ स्पीच इसके माध्यम से लिसनिंग स्किल का प्रोफेसेंसी को इवोलेट किया जा सकता है फ्लुएंसी रिदम्स स्ट्रेस ऑन द लेटर और वर्ड्स एक्सप्रेशन वॉइस और ट्यून मॉडुलेशन ऑफ वॉइस एंड वेरिएशन इन पिच इसके बाद नेक्स्ट नंबर डिस्कस करेंगे एसेसिंग स्पीकिंग स्किल स्पीकिंग स्किल को कैसे एसेस किया जा सकता है द स्पीकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट में बी एसेस हो तो सबसे पहला है रिसाइटेशन इट विल हेल्प इन एसेसिंग प्रोनाउंसिएसन पंक्चुएसन एक्सेट्रा इसके माध्यम से प्रोनाउंसेसन हो या फिर पंक्चुएसन मार्क हो इसको एसेस किया जाता है इट विल हेल्प इन एसेसिंग हाउ कम्फर्टेबली द स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट इन पब्लिक इसके माध्यम से ये भी मालूम चलेगा कि स्टूडेंट जो है कितना आसानी से पब्लिक में कम्फर्टेबली बात कर पाते हैं इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है जिसके माध्यम से स्पीकिंग को स्पीकिंग स्किल को एसेस किया जाता है वो है प्रेजेंटेशन इट विल हेल्प इन एबेलेटिंग हाउ कॉन्फिडेंटली स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन थिंग्स इन द इन द प्रेजेंस ऑफ अदर स्टूडेंट एंड टीचर इसके माध्यम से ये मालूम चलेगा कि कितना आसानी से स्टूडेंट जो है कितना कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज़ को प्रेजेंट कर पाते हैं स्टूडेंट और टीचर के सामने द चॉइस ऑफ वर्ड्स फ्लुएंसी एंड क्लियरिटी ऑफ़ द आइडियाज़ विल लुक इन टू नेक्स्ट है भाईबा वॉइस इंटरव्यू या फिर ओरल ओरल टेस्ट इट विल हेल्प इन एसेसिंग हाउ वेल द स्टूडेंट हैज़ अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड हाउ फ्लेंटली दे कैन कॉन्वर्स विदाउट फिल्टरिंग यहाँ से ये यह मालूम चलेगा कि स्टूडेंट कितना समझे हैं कितना कॉन्सेप्ट उनको आता है और कितना आसानी से कितना फ्लुएंटली कॉन्वर्सेशन कर पाते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एसेसिंग रीडिंग स्किल रीडिंग स्किल कैसे एस किया जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे सब सबसे पहला है रिसाइटेशन असाइनमेंट है द टीचर कैन चेक इफ द स्टूडेंट प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली वेदर ही इज अवेयर ऑफ द ग्रामेटिकल फीचर लाइक पंक्ुएसन एसेट्रा यानी यहाँ पे टीचर ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट जो है कोई भी वर्ड को कितना आसानी से प्रोनाउंस कर पाते हैं यानी अच्छा से प्रोनाउंस कर पाते हैं कि नहीं पंक्चुएसन मार्क ग्रामेटिकल फीचर्स को यूज़ कर पाते हैं कि नहीं वेदर द स्टूडेंट स्टी मार्क्स रीडिंग स्टूडेंट जो है बीच बीच में रुकते हैं कि नहीं बोलते समय रीडिंग करते समय वेदर द वर्ड आर क्लियर एंड लाउड क्या वर्ड जो बोल रहे हैं वो क्लियर है या फिर लाउड है कि नहीं वेदर स्टूडेंट इज कॉम्फर्टेबल वायल रीडिंग रीडिंग करते समय स्टूडेंट जो है कॉम्फर्टेबल है या नहीं मैंटेन आई कॉन्टेक्ट विद टीचर टीचर के साथ आई कॉन्टैक्ट है या नहीं अभी इससे इसके माध्यम से टेस्ट किया जा सकता है असाइन किया जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है जिसके माध्यम से रीडिंग को एस एस किया जा सकता है वो है एक्सप्लेनेट्री असाइनमेंट द टीचर में असाइन टैक्स वेर द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद सम पेसेज और टेक्स एंड द स्टूडेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट इन दियर ओन वर्ड्स

और इसके माध्यम से यह मालूम चलेगा कि स्टूडेंट जो है कितना समझे हैं नहीं समझे हैं एंड और क्या पढ़े हैं दिस विल ऑल्सो हेल्प इन राइटिंग स्किल इसके माध्यम से राइटिंग स्किल भी एसेस किया जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस राइटिंग द स्टेंट में पेसेज विद इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स दिस विल एनेबल रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इसके माध्यम से भी रीडिंग और राइटिंग स्किल को एसेस किया जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटी इसके माध्यम से भी रीडिंग स्किल को एस किया जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एसेसिंग राइटिंग स्किल राइटिंग स्किल में सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऐसे ऐसे के माध्यम से भी राइटिंग स्किल को एसेस किया जा सकता है दिस विल हेल्प इन एवेलेटिंग हाउ वेल द स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस डेम इट विल टेस्ट वोकुलरी ग्रामर पांचुएसन ठीक है इसके बाद नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट इसके माध्यम से भी राइटिंग स्किल को एसेस किया जाता है रिपोर्ट राइटिंग विल ऑल्सो हेल्प इन राइटिंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न एग्जाम इसके माध्यम से भी राइटिंग स्किल को असेस किया जाता है असेसमेंट हेल्प इन एवेलेटिंग द प्रोफेशन एक्वायर्ड इक्वाइर्ड बाई द स्टूडेंट इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग हाउ मच द स्टूडेंट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड एंड हाउ वेल ही कैन मेक यूज ऑफ वाट ही हैज लर्न ठीक है इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आ चुका है तो सबसे पहले क्वेश्चन है एविलेशन ऑफ लिस्िंग स्किल के नॉट बी डाउन थ्रो किसके माध्यम से लिसनिंग स्किल को हम लोग इबोलेट नहीं कर सकते हैं एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी इसके माध्यम से कर सकते हैं एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश स्पीच साउंड इसके माध्यम से भी कर सकते हैं एबिलिटी टू रीड द टेक्स्ट अलाउड इसके माध्यम से नहीं कर सकते हैं ए ऑप्शन हो सकता है एबिलिटी टू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम व्हाट ही और सी हेयर इसके माध्यम से भी कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइल इवोलेटिंग राइटिंग स्किल ऑफ ए लर्नर स्विच ऑफ दिस विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रेटेरिया आप सभी को बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्रेटेरिया क्या हो सकता है लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडिया कोरेंटली एंड सिस्टमेटिकली ये सबसे बेस्ट आइडिया हो सकता है इवेलेट करने का राइटिंग स्किल तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एवलेट रीडिंग कॉम्प्रेशन एट क्लास थ्री लेवल स्टूडेंट में भी आटूडेंट तो को क्या पूछा जा सकता है रिटेल ए स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स और टू समराइज द मेन आइडिया और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये सबसे बेस्ट आइडिया है रीडिंग कॉम्प्रिशन को इवलेट करने का तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो का पी आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच